तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। जैसा कि आपको पता है दिवाली आने वाली है और हमारी YouTube की इनकम भी आ गई है, तो हमने सोचा कि पटाखे तो लेने जा ही रहे हैं। और आपको पता है मैं अभी आया हूँ अपने गांव में और यहाँ पे छोटे छोटे से जो रास्ते में लगाते हैं पटाखे, मैंने सोचा आज की वीडियो में ऐसा ही कुछ करते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि पूरे के पूरे पटाखे उनके खरीदने के लिए गाइज। तो आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, शुरू से एंड तक देखिएगा। और आपको पता है इस चैनल पे हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लास्ट तक देखना तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करें चलते हैं पटाखे लेने, और अगर रास्ते में कोई भी मिलता है तो उसके सारे पटाखे हम खरीदेंगे। तो आइए बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। गाड़ी थोड़ी गंदी है तो उसका आप नज़रअंदाज करना। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, गड्डी भी हमने भर ली है नोटों से, तो अभी जो भी मिलेगा उससे हम लेंगे माल। और हवा भी बहुत चल रही होगी, अगर आपको नॉइज़ आ रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हमारे गांव में दोस्तों क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो घर हैं रास्ते में पड़ते हैं उनके बाहर पटाखे बेचते हैं। पिछले साल भी था, इस साल अगर कोई मिलता है तो हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब मिलते हैं, कोई मिलता है उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे किसी ने लगा रखा है, चलिए इनसे पूछ लेते हैं। तो दोस्तों अभी एक कोई दिखा है मेरे को लगाए हुए, उसको उनसे पूछ लेते हैं। तो आप ही बेच रहे हो क्या? मैं माइक दे देता हूँ। तो कितने कितने के दे रहे हो? ये इसके रेट मेरे दीदी को पता है। अच्छा, दीदी को पता है। दीदी कहाँ है तुम्हारी? दीदी वहाँ पे बैठी है। अच्छा बुलाओ दीदी। तो गाइज अब हम सोच रहे हैं ये कुछ पटाखे टाके खरीद लेते हैं। तो ये क्या आज ही लगाया तुमने? हाँ। तो कब से बेच रहे हो ये? सुबह से। सुबह से तो कुछ बिचा है? थोड़ा बहुत बिचा। अच्छा थोड़ा बहुत बिचा है। तो रेट वगैरह पता है इनके क्या क्या है? हाँ। तो ये अनार कितने का है? अनार 50 रुपए का है। अच्छा पूरा डब्बा की एक? एक 50 रुपए का है। हाँ। अच्छा और ये? ये 60 रुपए का है। ये 60 रुपए का है। तो ये पूरा कितने का होगा? ये 2000 रुपए का। अच्छा 2000 का पूरा हो जाएगा। ये। तो चलिए गाइस इनका खरीद लेते हैं 2000, क्योंकि अभी हमें और भी जगह जाना है तो जल्दी जल्दी से करते हैं। तो चलिए अब पैसे इनको देते हैं निकाल के और पूरा माल हम पैक करते हैं। तो 2000 इनने बोला है और हम 2000 इनको देते हैं। ये कितने? ये 1500 रुपये। अच्छा ये लो, अब ये सारे पैक कर दो ठीक है। तो गाइस इनका तो ले लिया है, अभी आगे चलेंगे और भी लेते हैं, तो जल्दी से पैक करवा देते हैं हम। तो पहले से आज के पहले कभी किसी ने पूरा माल लिया है तुमसे? नहीं लिया। किसी ने नहीं लिया? नहीं लिया। ये माइक ऊपर करके बोलो, किसी ने नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा तो कैसा लग रहा है पूरा लेके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी पैक कर दो और ये माइक मेरे को दे दो। तो गाइस अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं जल्दी से ये पैक हो रहा है सामान, उसके बाद अपना लोड करते हैं फिर आगे चलते हैं, और भी कोई मिलेगा उनसे भी लेते हैं। 2000 years later. तो गाइज उसका तो हमने ले लिया है और सारा खरीद लिया था, मात्र 2000 रुपये में मिल गया, डिग्गी में रख दिया है, वो भी खुश। अब घर जाके आराम से दिवाली भी बना लेंगे वो दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कोई दूसरा मिलता है तो उससे भी लेते हैं। एक्चुअली क्या हमारे गांव में क्या होता है, जो ये मेन रोड जाता है ना, इसी से सबके सब व्यापारी जाते हैं, जितने भी रिश्तेदार या कोई भी होते हैं बंदे, जो सारे इसी से जाते हैं, तो यहीं पे लगा के लोग बेचते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कोई मिलता है तो। 2000 years later. तो गाइस बहुत देर से घूम रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा हम रुके थे, अभी तक कोई मिला नहीं है, लेकिन एक गांव दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो चलो अरे एक बंदा भी दिख गया हमें लगाए हुए, चलो इससे पूछ लेते हैं कि क्या कितने का दे रहा है। साइड में लगा देते हैं गाड़ी, आओ उतरे। तो पटाखे बेच रहे हैं, इनको एक हम माइक दे देते हैं। जी कितने कितने के दे रहे हो? ये माइक पकड़ो, इस माइक में बोलना था अब आ जाएगी ठीक है। ये 10 रुपए का। अच्छा एक? हाँ। अच्छा ठीक है। और ये भी वाला 10 रुपए का, ये 5 रुपए का। तो सुबह से कुछ बिक्री हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे वैरायटी बहुत है, जो हमने पहले परचेज किया था तो उसमें ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये कैसे है गुब्बारे? ये जगाओगे तब रंग निकलेगा, रंग निकलेगा। अच्छा रंग वाले हैं। ये कितने का दे रहे हो? ये वाला 10 रुपए का लगा देंगे। 10 रुपए का एक। और ये क्या है ये बॉक्स में? ये
बड़े वाले पटाखे ऊपर वाले। अच्छा स्काई शॉट है गाइस, ये देख सकते हैं। तो स्काई शॉट भी है यहाँ पे, मतलब इतने सारा माल यहाँ बेच रहे हो, तो सुबह से कितना बिक गया? थोड़ा बहुत बेचा है। अच्छा ठीक है, ये देखिए चरखरी वगैरह भी रखी हुई है यहाँ पे। तो और ये बैलून, अच्छा ये उड़ाने वाले, ये कितने के हैं? ये 5 से 10 रुपए में, अभी बेचे नहीं इसके वजह। अच्छा बेचे नहीं इसलिए 5 रुपए में बेच रहे हो। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये पूरा माल चाहिए तो कितना दोगे? ये 3500 से 3700 रुपए में लगा देंगे आपको सारा। अच्छा 3500 से 3700 रुपए में। तो इतने बीहड़ में क्यों बेच रहे हो? अरे यही तो है सामने मेरा घर ही है। अच्छा यहाँ पे गाँव है आपका? हाँ देख सकते हैं गाइस, तो इनसे भी ले लेते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन पहले एक टेस्ट करेंगे हम कि आपके फूटेंगे भी कि नहीं फूटेंगे, चेक कर सकते हैं आप। तो गाइस हम चेक कर लेते हैं, गाइस खरीदने से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो फूटेंगे ना? हाँ तो आप ही दे दो, कौन सा बताओ, कौन सा चलाऊं? क्योंकि ये वाला खरीद लिए पूरे, ये वाला इसमें अनार भी निकलेगा। अच्छा। और ये फटेगा भी। फटेगा भी, तो चलिए गाइस ये देखो, ये खड़ा करने के लिए स्टैंड। अच्छा तो गाइस एक टेस्ट कर लेते हैं, खरीद तो हमने लिया ही है पूरा, तो इनका भी घाटा नहीं होगा। और एक बार हम देख लेते हैं कैसे चलता है। आइए गाइस इधर इधर चलाते हैं हम थोड़ा सा दूर, क्योंकि उधर सारे पटाखे लगे हुए हैं। ऊपर पेड़ है, यहाँ चलाते हैं, यहाँ एकदम परफेक्ट है। ये तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अनार कम निकला लेकिन फटा बहुत बढ़िया से दोस्तों। तो चलिए खरीद लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनानी है। तो गाइज अभी तो आपको दिखा दिया, मेरा कान अभी तक भिन्ना रहा है, पटाखे में दम तो है। तो भैया ये सारे पैक कर दो आप, और मैं आपको, आपने 3700 बोले हैं, मैं आपको 4000 रुपये दे रहा हूँ, ताकि आप घर पर भी आराम से। बढ़िया क्या बात है, आज तो दिवाली बढ़िया मनेगी। हैप्पी दीपावली। 2 3 4 आपको भी हैप्पी दीपावली। और ये सारे पैक कर दो, माइक मेरे को दे दो। तो गाइस देखिए अब ये भी पटाखे खरीद लिए हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी इतने इनफ हैं, मतलब ये देखिए बहुत सारे हैं। और 3700 बोले थे मैंने इनको, 4000 रुपये दे दिए, और पहले भी हमने खरीद लिए थे, तो इतने बहुत हैं गाइस। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था, क्योंकि ये लोग क्या है, इन्हीं के निर्भर रहते हैं बस, इन्हीं से 2-3 पैसे कमाते हैं। तो आपको भी अगर ऐसे ही कहीं दिखाए गिरा गए, मतलब कुछ भी दिखे, तो आप भी खरीद लिया करो, ताकि इनके मतलब इनको भी थोड़ा खुशी मिले। और दिवाली तो खुशियों का त्यौहार होता ही है दोस्तों। तो वीडियो भी हमने ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई है, लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज़ और, जितने भी ये पटाखे हमने खरीदे हैं, इनकी टेस्टिंग वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अभी ये ले लिए हैं, इसके बाद हम इनको टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम सोचते हैं इन पटाखों को करेंगे क्या, क्योंकि इतने तो मैं फूट नहीं पाऊंगा। एक आध पटाखे की आपको टेस्टिंग दिखा देंगे, उसके बाद ये सारे के सारे पटाखे हम डोनेट कर देंगे। डोनेट मतलब जितने भी बच्चे हमें मिलेंगे उनको हम बांट देंगे, ताकि वो अच्छे से दिवाली बना सकें दोस्तों। तो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना, वो देने में बड़ी खुशी होती है। आप देखिए कितना खुश होकर जा रहा है वो, रात में दिवाली बनाएगा। You'll be mine forever, even though you're far.